वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वाइट एजुकेशन में। बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल या फिर आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, किसी भी सेक्टर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए करेंट अफेयर का जो टॉपिक होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अब हम लोग अपने चैनल के माध्यम से डेली करेंट अफेयर आपको प्रोवाइड करेंगे। डेली करेंट अफेयर में 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उन 10 क्वेश्चन के साथ जुड़े हुए और भी कुछ तथ्य होंगे जो कि एज ए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको बहुत सहयोगी होंगे। तो इसलिए आप लोग रोज सुबह के 6 बजे हमारा ये वीडियो जरूर देखें और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम बिहार दरोगा के मेंस में भी आपको कुछ सफलताएं यहां से मिल सके। इसका पीडीएफ हम लोग वाइटी एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, तो वहां से जाके आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर जाएं तो सब्सक्राइब के रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है, ये रहा आपके सामने। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा हमारे साथ, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में फिट इंडिया साइक्लोथॉन आयोजित किया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको फिट इंडिया साइक्लोथॉन से। अब रही बात फिट इंडिया साइक्लोथॉन के, जो अब यहाँ देखा जाए तो ये खेल जगत से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं इसका आंसर, आंसर होगा गोवा, ठीक है। तो अब गोवा के खेल मंत्री कौन है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन गया आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन से रिलेटेड ही बनेगा, तो ये खेल से रिलेटेड है फिट इंडिया साइक्लोथॉन। तो गोवा के खेल मंत्री अभी किसको प्रभार दिया गया है, तो देखिए फिट इंडिया साइक्लोथॉन को केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, नोट कर लीजिएगा किरण रिजिजू, ठीक है। ये है यहाँ के खेल मंत्रालय में खेल मंत्री, और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत, याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा क्योंकि ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगी, है ना। तो प्रमोद सावंत और किरण रिजिजू के साथ ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है फिट इंडिया साइक्लोथॉन का, ये किया गया यहाँ की कैपिटल सिटी पणजी। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि यहाँ की कैपिटल सिटी क्या है, तो याद रखिएगा पणजी, ठीक है। पणजी में ये कैंपेल परेड के रूप में इसको रवाना किया गया है। और आपको बता दें कि खेल और युवा मामलों की निदेशालय गोवा सरकार के सहयोग से युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत फिट इंडिया मिशन की फिट इंडिया साइक्लोथॉन का उद्घाटन करने का आयोजन किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आप देख सकते हैं गोवा के कुछ भौगोलिक क्षेत्र। ये हमारे गोवा का जो एरिया है, ये देखिए महाराष्ट्र से लगा हुआ है, ये पूरा एरिया महाराष्ट्र का है, और ये गोवा की राजधानी पणजी है जो कि, और वास्को द गामा, ये एक यहाँ पे बहुत ही फेमस इसका शहर है गोवा का, ठीक है, और ये बीच भी है वास्को द गामा यहाँ का। तो भौगोलिक क्षेत्र देखा जाए तो ये अरब सागर की तरफ हमारे भारत के दक्षिण मध्य भारत में ये स्थित है राज्य गोवा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अगर पड़ोसी राज्य की बात करें तो ये है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई होती है, ओके। चलिए सर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने तंजावुर एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल से लैस सुखोई 30 MKI विमान ने अपने पहले स्क्वाड्रन शामिल किया है। अब ये स्क्वाड्रन को शामिल तो कर लिया है किसने, तो सुखोई 30 ने, ठीक है, जो कि क्या है, तो एक विमान है एक तरह का। ये क्वेश्चन यहाँ से 4 बन गए। अब देखिएगा, इसने पहले स्क्वाड्रन शामिल किया है। अब तंजूर एयरबेस कहाँ पर स्थित है, ये किस राज्य में है, ये बताना है आपको। तो ध्यान रखिएगा, आंसर कीजिएगा यहाँ पे तमिलनाडु, आंसर जिनका बी आ रहा है। ये जो एयरबेस है भारतीय वायुसेना का तंजावुर एयरबेस, ये यहाँ से कौन सा, तो ब्रह्मोस मिसाइल लैस जो है इसको क्या किया गया है, इसको शामिल किया गया है, और ये कौन से स्टेट में है, तमिलनाडु में। अब देखिए तमिलनाडु से रिलेटेड चीज़ें हम जानेंगे थोड़ी सी, ये थोड़ा सा भौगोलिक इसका क्षेत्र देख लीजिए। तमिलनाडु जो है वो हमारे दक्षिण भारत का एक राज्य है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या होती है, तो याद रखिएगा चेन्नई होती है इसकी राजधानी, ठीक। उसके अलावा यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, बिल्कुल याद रखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में दोस्तों। तो ये हैं के ई के हैं एक्चुअली इडप्पा, इनका नाम है इडप्पा पलना स्वामी, ठीक है,
पलन्ना स्वामी, ये नाम नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो गवर्नर कौन है यहाँ के, तो बनवारी लाल पुरोहित, कौन है, बनवारी लाल, बनवारी लाल पुरोहित, याद रखिएगा। ये सारे डेटा आपको याद रखने होंगे क्वेश्चन में एग्जाम के लिए, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि इसके जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, इसको चारों तरफ से घेरा हुआ राज्य है। ये देखिए केरल है, ये ऊपर में आंध्र प्रदेश है, और एक कर्नाटक है यहाँ, जो कि बेंगलुरु की राजधानी होती, बेंगलुरु की राजधानी होती है, याद रखिएगा। और ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, ठीक है, जो कि हमारा दक्षिण भारत का एक राज्य है, ठीक है। इनसे जुड़ी हुई चीज़ें ये हैं, जहाँ पे इसका एयरबेस बनवाया गया है, किसका, तो तंजावुर का। अब देखिए, भारतीय वायुसेना ने तमिलनाडु में अपने तंजावुर एयरबेस पर दक्षिण में सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का ले जाने का प्रस्ताव रखा, जिसको सुखोई 30 MKI विमान के नाम से जाना जा रहा है। अब ये अपने पहले स्काई ड्राइवन को शामिल किया है यहाँ पे, और रक्षा प्रमुख कौन है अभी फिलहाल, तो बिपिन रावत हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, क्योंकि बात हो रही है अगर एयर फोर्स की यहाँ पे, तो अभी जो हमारे रक्षा प्रमुख जनरल हैं वो बिपिन रावत हैं, और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल कौन है अभी, याद रखिएगा, राकेश भदौरिया, कौन है ये, राकेश भदौरिया, याद रखिएगा। ये सारे डेटा आप लोग लिख लीजिएगा अगर लिख रहे हैं तो, अगर कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो, ठीक है। और ये एक प्रभावशाली समारोह में स्काई ड्रावन को शामिल किया गया है, और नए अत्याधुनिक 222 स्काई ड्रावन, स्काई ड्रन जो है इसका नाम है, और इसको टाइगर सार्क के नाम से भी जाना जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। इस ब्रह्मोस मिसाइल को क्या, तो टाइगर सार्क के नाम से भी जाना जा रहा है, ओके। चलिए, इतना सारा क्वेश्चन बन गया, अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 के पहले संस्करण की सूची कौन सा देश शीर्ष पर है। बिल्कुल, देखिए डेनमार्क इज द करेक्ट आंसर, आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। डेनमार्क जो है दोस्तों WEF, यानी कि देखिए ये सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिएगा, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। और ये है दोस्तों 2020 का एक रिपोर्ट, जिसमें कि इक्वेलिटी अपॉर्चुनिटी एंड अ न्यू इकोनॉमिक इम्पेरेटिव नामक एक रिपोर्ट बना है। इसके पहले संस्करण में जारी किया गया, और इस सूची में डेनमार्क को सबसे पहला स्थान मिला है, ठीक है। अब रही बात डेनमार्क, अब देखिए दोस्तों डेनमार्क जो है विश्व आर्क, अगर देखा जाए भारत को कितना स्थान मिला है, ये तो पहले स्थान पे है, तो लेकिन भारत की बात की जाए तो 82 कुल देशों में 76 स्थान मिला है भारत को। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है, WEF का मुख्यालय कहाँ है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो याद रखिएगा कॉलोनी स्विट्जरलैंड में है इसका, ठीक है, कॉलोनी ये नाम है, कॉलोनी स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है पूछ सकते हैं, तो कॉलोनी याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान के अभी अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अभी अध्यक्ष कौन है, तो क्लॉक्स श्वाब, ठीक है, क्लॉक्स श्वाब, ठीक है, नाम नोट कर लीजिएगा, ये इसके अध्यक्ष है, किसके, WEF के। इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो कॉलोनी स्विट्जरलैंड में है, इतना याद रहेगा। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके भौगोलिक क्षेत्रों पर नजर डालते हैं डेनमार्क के। डेनमार्क जो है दोस्तों, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके मैप में, ये जो पूरा रेड कलर से किया हुआ है चीजें जो है, ये डेनमार्क का ही पूरा एरिया है, ओके। और डेनमार्क जो अगर देखा जाए तो ये एक उत्तरी यूरोप का देश है, कहाँ का, उत्तरी यूरोप का देश है। इसकी कैपिटल क्या होती है, तो कॉपेनहेगन होती है, याद रखेंगे, कैपिटल पूछ सकता है एग्जाम में, तो कॉपेनहेगन होती है। और यहाँ की करेंसी क्या होती है, याद रखिएगा, यहाँ की करेंसी होती है क्रोन, ठीक है, डेनिश क्रोन कहते हैं इसको, ओके। और एक डेनिश क्रोन में कितने रुपए होते हैं भारतीय, अगर बात करें तो 10 रुपए 55 पैसे होते हैं, ये याद रखिएगा। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो मेटर फेडरिकसन, नोट कर लीजिएगा, मेटर फेडरिकसन, जो कि महिला है, ठीक है, मेटर METER, मेटर इनका नाम है, ठीक है, मेटर फेडरिकसन, ठीक है, इनका पूरा नाम है, ये यहाँ के क्या है, तो प्रधानमंत्री हैं, उत्तरी
यूरोप का ये देश है डेनमार्क, जिसकी कैपिटल होती है कैपेहेगन, और यहाँ के प्रधानमंत्री है मेटर फेडरिक्शन, और यहाँ पे करेंसी जो है वो क्रोन है, जो कि 1 क्रोन बराबर, डेनिश क्रोन बराबर 10 रुपये 55 पैसे इंडियन रुपीज के हिसाब से होती है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ये देख सकते हैं इनकी तस्वीर, जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, मीटर फेडरेक्शन, ओके, याद रखिएगा इनको। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी को नई दिल्ली के राजपथ में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन होंगे इस बार? 71वां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आपको याद रखने का, क्या तो ये एक 71वां आपका गणतंत्र दिवस है, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि 2020 में कौन सा गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया, तो 71वां, ठीक, एक तो क्वेश्चन ये बन गया। लेकिन किसको अतिथि बुलाया गया यहाँ पे बना के, तो याद रखिएगा आंसर होगा यहाँ पे ए, जियर मेसियस बोल्सोनारो। कौन है ये? तो ये है ब्राजील के ये कौन है, तो ब्राजील के ये हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, जिनको इनवाइट किया गया है कहाँ पे, तो भारत में यहाँ पे। जी हाँ, आपको बता दें कि 26 जनवरी को 71वां गणतंत्र दिवस परेड के रूप में, अतिथि के रूप में बुलाया गया है जेयर मेसिस बोल्सोनारो, और ये मुख्य अतिथि के रूप में होंगे, और 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जो कि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को, ये याद रखेंगे कि हमारा जो संविधान था इस दिन लागू हुआ था। अब चलते हैं यहाँ पे कुछ तथ्यों पे, बात हुई है ब्राज़ील की, तो ये रहा वो ब्राज़ील जो कि हमारा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कह सकते हैं, ठीक है, एक बहुत ही विशाल कंट्री है दक्षिण अमेरिका का, है ना, दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा हूँ। ये आप इसकी तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पेरू, बोलिविया, पराएगुआ और चिली इसके पड़ोसी मुल्क होते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो दक्षिण अमेरिका से लेकर, है ना, दक्षिण अमेरिका से लेकर ये अटलांटिक महासागर तक इसके विस्तार है, तो बहुत ही बड़ा ये द्वीप भी है एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। ब्राजील, यहाँ की मैंने आपको जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम बता दिया, तो जेयर मेसिस बोल्सोनारो। कैपिटल होती है ब्राजीलिया, क्या होती है? ब्राजीलिया, याद रखिएगा ब्राजीलिया, ओके, ये कैपिटल होती है। और यहाँ की करेंसी क्या होती है? एक ब्राजील रियल होती है, ठीक है, ब्राजील रियल होती है ये, तो एक कितने रुपए के बराबर होता है ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो 17 रुपए 15 पैसे, ठीक है, एक ब्राजील रियल का मतलब होता है भारतीय रूप में 17 रुपए 15 पैसे, ओके। चलिए ये इतना याद रहेगा, चलिए आगे आप चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 5 पे देखते हैं। ये देख सकते हैं ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनके साथ हैं जेयर मेसिस बोल्सोनारो, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। 5वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने स्थापना दिवस की 48वीं वर्षगांठ मनाई है? देखिए आंसर करेंगे दोस्तों, मेघालय इज द करेक्ट आंसर, जिनका भी उत्तर सी आ रहा बिल्कुल सही है। मेघालय, देखिए बादलों का घर कहते हैं इसको, एक क्वेश्चन बनता है कि मेघालय को और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा बादलों का घर ये कहा जाता है इस राज्य को। इसकी राजधानी कहाँ होती है सबसे, देखिए कुछ क्वेश्चन रिलेटेड होंगे यहाँ से जो कि आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा अभी। तो मेघालय की राजधानी होती है दोस्तों शिलोंग, याद रखिएगा मेघालय की राजधानी होती है शिलोंग, ओके। अच्छा, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है अभी? तो कोनाड संगमा, कौन है? तो कोनाड संगमा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इनका पूरा नाम है कोनाड संगमा। और यहाँ के गवर्नर कौन होते हैं अभी? तो गवर्नर अभी हैं दोस्तों, याद रखेंगे, तथागत रॉय, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको हर वीडियो में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, जिस राज्य से जुड़ी हुई चीजें होंगी उस राज्य के बारे में, उसके मुख्यमंत्री, उसकी कैपिटल सिटी और उसका मुख्य गवर्नर, है ना, इन सब के बारे में रेगुलर बताऊंगा, ताकि ये चीजें आपको मैं याद करा दूं, कोई भी चीजें आपसे छूटेगी नहीं एग्जाम में, है ना। बस आप लोगों का ध्यान यहां रहना चाहिए इस 10-15 मिनट की वीडियो में हमारे साथ, ओके। तो आंसर ये इतना हो गया। अब रही बात 48वीं वर्षगांठ की बात हुई, तो मेघालय में राज्य स्थापना दिवस की हुई 1972 में, किस दिन हुई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा जनवरी 21, ठीक है, 21 जनवरी को ये मनाया जाता है दोस्तों,
और ये 1972 से, तो ये 48वीं वर्षगांठ मनाएगी, इसकी स्थापना दिवस मनाएगी, और विधानसभा के साथ साथ राज्य का दर्जा भी इसको उसी समय प्राप्त हो चुका था। ठीक है, तो कोनार्ड संगमा जो है यहाँ के अभी फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, और सूचना और जनसंपर्क मंत्री हैं एलन हेक, जो कि इस स्थापना दिवस पर इनके साथ अतिथि के रूप में शामिल थे। कौन? तो एस एल हेक। ठीक है, याद रखिएगा ये नाम है किनका, तो जनसंपर्क मंत्री हैं, सूचना और जनसंपर्क मंत्री हैं मेघालय के। ओके, चलिए अब थोड़ा सा भौगोलिक दृष्टि से देखें यहाँ पे, तो जो हमारा मेघालय राज्य है ना, ये कुछ इस तरह से दिखता है, ये आप देख रहे होंगे रेड कलर में यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा मेघालय राज्य है, जिसके अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें तो असम है एक, ठीक है, त्रिपुरा है और मिजोरम भी है। ठीक है, और इसके कुछ भाग जो हैं ये आपके बांग्लादेश से भी टच करते हैं, और कुछ वेस्ट बंगाल के राज्य से भी टच करती है। ठीक है, चलिए इतना याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहे वो मुख्यमंत्री जिनका नाम है यहाँ पे कोनार्ड संगमा। ठीक है, संगमा, ठीक है, ये हमारे मुख्यमंत्री हैं मेघालय के। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना से पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो ये आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे बी, महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा अनिवार्य कर दिया है कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसको अपने सब्जेक्ट के सूची में शामिल करना। ठीक है, यानी कि अगर आप स्कूलिंग कर रहे हैं तो आपके स्कूल में अब संविधान की प्रस्तावना ये आपको एक पाठ्य रहेगा, समझ सकते हैं। और महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य करने के रूप में यहाँ पे निर्देश दे दिया है, और ये लागू कब से होगा? तो 26 जनवरी से इसको लागू कर दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे इसका अभ्यास शुरू करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये एक ऐतिहासिक दिवस भी बन जाएगा महाराष्ट्र के लिए, 26 जनवरी 2020 का संविधान की प्रस्तावना को सिलेबस में डाला जा रहा है प्राथमिकी और माध्यमिक विद्यालयों के लिए। तो ये तो रहे यहाँ के तथ्य जो कि इस क्वेश्चन से जुड़े हुए थे, लेकिन अगर आपसे कुछ पूछा जाए महाराष्ट्र के बारे में, तो ये रहा वो महाराष्ट्र राज्य, ये हमारा दक्षिण मध्य राज्य है, दक्षिण मध्य भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी मुंबई होती है, याद रखिएगा अभी। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं उद्धव ठाकरे, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं इनको। ठीक है, उद्धव ठाकरे जो हैं महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री बने हैं, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ के अगर हम राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी, याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये यहाँ के राज्यपाल हैं। ओके, ये मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, ये मुंबई इसकी राजधानी हुई, और ये 19वें मुख्यमंत्री हैं, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, भारत और किस देश के बीच एकत्रित चेक पोस्ट ICP है ना का विराट नगर का उद्घाटन किया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नेपाल, नोट कर लीजिएगा, भारत और नेपाल के बीच एकत्रित चेक पोस्ट ICP जो है, एक चेक पोस्ट बनाया गया है। ये विराट नगर जो है नेपाल में आता है, तो इसका उद्घाटन किया गया, विराट नगर का उद्घाटन भी किया गया है। ओके, तो आंसर क्या करेंगे? नेपाल। प्रधानमंत्री हमारे कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा KP शर्मा, है ना, ये नेपाल के कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं। इन दोनों ने ही ओली, लिख लीजिएगा इनका पूरा नाम है, KP शर्मा ओली, इन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एकत्रित चेक पोस्ट ICP में विराट नगर का उद्घाटन किया, और यहाँ विदेशी नागरिकों के आवाज भगत और माल के निर्यात और आयात संबंधी सभी आधुनिक सुविधाओं को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए इसकी शुरुआत की गई है। और ये नेपाल की सीमा पर दूसरा ICP चेक पोस्ट है ये। ठीक है, पहला जो है वो चेक पोस्ट 2018 में ही रक्सौल और बीरगंज के पास किया गया था। रक्सौल बिहार में आता है ना। ठीक है, बिहार का जिला है, ठीक है, बिहार का एक क्षेत्र है रक्सौल, और बीरगंज जो है ये आपका नेपाल का है, बीरगंज। ओके, तो ये यहाँ के जो एक चेक पोस्ट पहले भी बन चुका है ICP का,
जो कि 2018 में, और ये 2020 का बन रहा है, जो कि एक बन रहा है विराट नगर का, उद्घाटन किया गया है इसको केपी शर्मा ओली जो कि नरेंद्र दास मोदी जो कि भारत के पीएम है उन दोनों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होकर इसका शुरुआत किया गया। ओके, अब इतना याद रहेगा आपको, लेकिन कुछ और तथ्य देखना जरूरी है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे और तथ्य क्या हो सकते हैं सर? तो देखिए यहाँ पे तथ्य है कि इसके भौगोलिक कुछ क्षेत्र देख लीजिए। ये जो है हमारा नेपाल जो है ये भारत का एक पड़ोसी मुल्क है, ये भी याद रखेंगे, जो कि आपको ये तस्वीरों में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिएगा ये रेड कलर में जो क्षेत्र है, अब इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है ये बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हमारे तीन राज्य से जुड़े हुए इसके राज्य हैं जो कि इसमें साझा करते हैं बॉर्डर्स को, ठीक है। ये नेपाल का पूरा एरिया है, ठीक है, चलिए याद रहेगा। यहाँ की राजधानी होती है दोस्तों काठमांडू, ठीक, ये क्वेश्चन बन सकता है तो याद रखिएगा, काठमांडू होगी यहाँ की राजधानी। पीएम हो गए केपी शर्मा ओली। अगर प्रेसिडेंट का पूछ दे तो विद्या देवी भंडारी, क्या रखिएगा याद, विद्या देवी भंडारी है ना, ये याद रखिएगा, ये हमारी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। कहाँ? नेपाल की। करेंसी होती है नेपाली रुपया, ठीक है, यहाँ भी रुपया चलता है तो नेपाली रुपया इसको कहते हैं, ठीक है, थीके? जो कि भारत से बहुत कम है इसका वेटेज अभी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वार्षिक कार्बन प्रकटीकरण परियोजना 2019 रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या रहा? बिल्कुल आंसर कीजिएगा यहाँ पे। देखिए सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि भारत का स्थान रहा 5वां, ठीक, आंसर यहाँ पे एक कर लीजिएगा, 5वां स्थान रहा यहाँ पे। अब रही बात कि सर पहले से लेकर चौथे तक कौन कौन रहा, तो देखिए 135 कंपनियों के साथ है ना, 135 अगर कंपनी की बात की जाए तो यूएसए यानी कि अमेरिका जो है पहले स्थान पे रहा है ना। अगर अगर हम बात करें 85 कंपनियों के साथ है ना, तो जापान, ओके, जापान जो है वो दूसरे स्थान पे रहा। और बात करें 78 कंपनियों के साथ, तो जो हमारा यूके है वो तीसरे स्थान पे रहा। ओके, 51 कंपनियों की अगर बात करें यहाँ पे, तो फ्रांस, ठीक, फ्रांस जो है हमारा चौथे स्थान पे रहा। और भारत की अगर बात करें तो ये 48 कंपनियों के साथ इंडिया जो है 5वें स्थान पे रहा। ये वार्षिक कार्बन प्रकटीकरण परियोजना के अनुसार बताए गए आंकड़े हैं। इसमें क्या हो रहा था कि कार्बन प्रकटीकरण परियोजना में कि हर साल एक रिपोर्ट दिया जाएगा उन सभी देशों को जो कि कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं, और इसकी कटौती करने के लिए, कार्बन की कटौती करने के लिए इन सभी देशों ने मिलकर ये एक जो परियोजना है इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। अब याद रखिएगा यहाँ पे, जिसका उद्देश्य है दुनिया भर के विभिन्न देशों में विभिन्न कंपनियों और फर्मों द्वारा संचालित कार्बन कटौती का गतिविधि को ध्यान देना, उसका मापक करना, ठीक है। तो याद रहेगा इतना सारा क्वेश्चन, ये पांचों का आप थोड़ा सा याद रखिएगा, पांचों कंट्री का नंबर ऑफ जो सीक्वेंस है वो याद रखेंगे आप यहाँ पे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे कि किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का शुभारंभ किया है? तो ये योजना शुरुआत हुई है, देखिए योजना से रिलेटेड क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश। आंसर क्या कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, बी, उत्तर प्रदेश। अब रही बात उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ चीजें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकार और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना जो है इसकी शुरुआत दोस्तों 18 से 70 वर्ष के आयु के क्षेत्रों में खेतों में काम करते हुए मरने या विकलांग होने वाले किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ये 18 से लेकर 70 साल तक के वर्ष की आयु वाले जो युवक होंगे या वृद्ध होंगे, अगर उनको खेती करते वक्त उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए ये योजना शुरुआत की गई है, ठीक है। अब आपको बता दें, या तो विकलांग हो जाते हैं उनको लिए भी उनको सहायता दी जाएगी। इस योजना में बटाईदारों को भी शामिल किया जा रहा है, जो कि जैसे कि होता है ना बटाई पे खेती दे देते हैं लोग, तो उनको भी शामिल किया जा रहा है। और जो अन्य किसानों के क्षेत्र में काम करते हैं या फसल कटने में उनकी ऐसी मृत्यु हो जाती है या फिर दुर्घटना हो जाती है तो वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई हैं उत्तर प्रदेश के इस योजना के तहत। ओके, अब रही बात यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। तो मुख्यमंत्री है योगी
आदित्यनाथ, याद रहेगा योगी आदित्यनाथ, ठीक है। अब यहाँ पे इसके जो गवर्नर हैं वो याद रखिएगा आनंदीबेन पटेल, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ की राजधानी लखनऊ होती है, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। और आज का आखिरी प्रश्न है कि दूरसंचार विभाग डॉट ने किस दूरसंचार कंपनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI, देखिए FDI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 49% से बढ़ाकर 100% करने की मंजूरी दे दी है। ये कौन सी कंपनी है दूरसंचार की, तो ये है दोस्तों एयरटेल, याद रखिएगा। एयरटेल जो है ये दूरसंचार विभाग ने भारतीय एयरटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 49% से बढ़ाकर 100% करने की मंजूरी दे दी है। भारतीय एयरटेल को अगर देखा जाए तो रिजर्व बैंक से भी कंपनी में विदेशी निवेशक को 74% हिस्सेदारी रखने की अनुमति मिल चुकी है। किसके द्वारा, तो RBI के द्वारा, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ होता है दोस्तों, तो मुंबई होता है, ये याद रखिएगा, किसका, RBI का। ओके, अब कुछ बातें हम थोड़ा सा जान लेते हैं एयरटेल के बारे में। देखिए ये हैं इसके मालिक कह सकते हैं, ठीक है, सुनील भारती मित्तल। ओके, अगर एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ CEO कौन है एयरटेल के, तो CEO है गोपाल वित्तल, क्या नाम है इनका, गोपाल वित्तल, ठीक है, और ये कब से हैं, 2013 से हैं। अभी अगर कंपनी की बात की जाए तो $807.8 बिलियन ये इसका सालाना अभी इन इंडियन करेंसी में है, INR है, डॉलर नहीं है, ठीक है, ये इसका रेवेन्यू है, ठीक। और इसकी जो कुछ कंपनीज हैं जो कि सब्सिडी कंपनी है, विंक हो गई, भारतीय इंफ्राटेल हो गई, यूनिनॉर हो गई, ये सारे इसकी इंटरप्राइजेस की कंपनियां हैं। ओके, तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में आप हमारे साथ यहाँ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि ऐसे वीडियोस लगातार आपके लिए लाए जा सके और आपके एग्ज़ाम की तैयारी में हम आपका सहयोग कर सकें। धन्यवाद। इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग White Education के टेलीग्राम चैनल से। बाय बाय।